प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सेहत और अमराज इस सबक का तमहीदी वीडियो देखा। इस सबक में हम सेहत और अमराज इस सबक को तफसील से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, बाज औकात बीमार होने पर हम इलाज ना करवाने के बाद भी ठीक हो जाते हैं और बाज औकात इलाज करवाए जब भी हम ठीक नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हमको सेहत को समझना है और इसी तरह मर्ज किसे कहते हैं इसको समझना है। सेहत हेल्थ, किसी मर्ज में मुब्तला ना होना ही सेहत नहीं बल्कि दिमागी, जिस्मानी, सामाजिक तौर पर पूरी तरह चाको चौबंदी की हालत सेहत कहलाती है। इसी तरह मर्ज किसे कहते हैं, मर्ज डिजीज, जिस्मानी या नफसियाती तौर पर जिस्म के अहम हयाती अफाल में रुकावट पैदा होने वाली हालत को मर्ज या इलनेस या बीमारी कहते हैं। प्यारे बच्चों, कभी कभी आपने देखा है कि कभी कभी जो है तो हम जब बीमार होते हैं तो हम बहुत कमज़ोरी महसूस करते हैं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ काम करने भी हमारा दिल नहीं लगता। प्यारे बच्चों, आज हम जो है सेहत और अमराज इस सबक को तफसील से पढ़ेंगे। अमराज की किस्में, टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने मुख्तलिफ अमराज के नाम सुने होंगे। मुख्तलिफ बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़, शुगर, अमराज कल्ब, इसी तरह डाउन सिंड्रोम, जुकाम, सर्दी, खांसी वगैरह वगैरह जैसी मुख्तलिफ बीमारियों के नाम आपने सुने होंगे। इन तमाम अमराज की वजूहात और अलामतें मुख्तलिफ होती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ अमराज की हस्ब ज़ेल तरीके से जमातबंदी की गई है, जिसको आज हम देखेंगे, आज इसको पढ़ेंगे। आइए प्यारे बच्चों, अमराज की किस्मों को ट्री डायग्राम के जरिए समझते हैं। अमराज की किस्मों को दो ग्रुप में तकसीम किया गया है। पहला है मुद्दत के लिहाज से, दूसरा है वजूहात के लिहाज से। मुद्दत के लिहाज से अमराज को और मज़ीद दो किस्मों में तकसीम किया जाता है। तवील मुद्दती अमराज, ऐसे अमराज जो बहुत देर तक रहते हैं, ऐसे अमराज को तवील मुद्दती अमराज कहते हैं। मिसाल के तौर पर ज़ियाबतीस, शुगर, दमा, हार्ट अटैक वगैरह, ऐसे अमराज बहुत देर तक रहते हैं। इसी तरह मुद्दत के लिहाज से अमराज की दूसरी किस्म है शदीद मुद्दती अमराज, ऐसे अमराज जो सिर्फ कलील मुद्दत के लिए रहते हैं, कुछ वक्फे के लिए रहते हैं और आकर ये ख़त्म हो जाते हैं कुछ वक्फे के लिए, इन्हें जो है शदीद मुद्दती अमराज कहते हैं। मिसाल के तौर पर सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, ये कुछ वक्फे के लिए आते हैं और चले जाते हैं। इसी तरह अमराज की किस्मों की दूसरी किस्म वजूहात के लिहाज से अमराज को दो किस्मों में तकसीम किया गया है। पहला मौरूसी अमराज, मौरूसी अमराज और इक्तसाबी अमराज। मौरूसी अमराज ऐसी बीमारी जो जीनियाती तौर पर विरासत में मिलती है, ऐसे अमराज को विरासती मौरूसी मर्ज कहते हैं। ये जो है नस्ल, ऐसे अमराज नस्ल दर नस्ल जो है एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर कैंसर, दमा, अमराज कल, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और आंतों की सोजिश की बीमारियां। ये था मौरूसी अमराज की किस्म। इस वजूहात के लिहाज से इस अमराज की दूसरी किस्म इक्तसाबी अमराज। इक्तसाबी अमराज को मजीद दो ग्रोह में तकसीम किया गया है, मुतैदी अमराज और गैर मुतैदी अमराज। मुतैदी अमराज ऐसे अमराज जो आलूदा हवा, पानी, गिजा और मर्ज़बरदार हशरात के ज़रिए फैलते हैं, यानी खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए फैलते हैं, ऐसे अमराज को जो है मुतैदी अमराज कहते हैं। मसलन ज़ुकाम, इन्फ्लुएंजा और डेंगू। इसी तरह इक्तसाबी अमराज की दूसरी किस्म गैर मुतैदी अमराज, ऐसे अमराज जो सूने से नहीं होते, ऐसे अमराज को गैर मुतैदी अमराज कहते हैं। मिसाल के तौर पर ज़ियाबतीस, अमराज कल्ब वगैरह वगैरह।